तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बीजेपी पर निशाना। तो किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। तो किसान आंदोलन में 600 लोग मरे लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। तो किसानों की मौत पर सरकार ने नहीं जताई संवेदना। तो राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बड़ा हमला किया है। तो आपको बता दें, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर इशारों में बीजेपी और केंद्र सरकार पर करारा प्रहार किया है। एक कार्यक्रम में मलिक ने कहा कि मैं अगर कृषि कानून के मुद्दे पर कहूंगा तो विवाद हो जाएगा, मैं 2 हफ्ते तक इंतजार करता रहूंगा कि इस पर दिल्ली से कोई फोन तो नहीं आया। हालांकि एक राज्यपाल को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन मेरे कुछ शुभचिंतक हैं, मेरे कुछ कहने का इंतजार करते हैं कि ये कुछ बोलें और ये हटें। तो मलिक ने कहा कि मुझे दिल्ली में बैठे 2-3 बड़े लोगों ने राज्यपाल बनाया था, जिस दिन ये लोग मुझे बोलेंगे मैं 1 मिनट के अंदर अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला जिसमें 600 लोग शहीद हुए, बावजूद इसके दिल्ली में बैठे नेताओं ने शोक नहीं जताया। मलिक ने कहा कि एक जानवर के मरने पर भी दिल्ली में बैठे नेता शोक जताते हैं, पर किसानों की मौत पर संसद में शोक प्रस्ताव तक नहीं पेश किया गया। तो ये सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से बीजेपी पर बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बैठे लोग जिन्होंने मुझे राज्यपाल बनाया, अगर वो कहेंगे तो मैं 1 मिनट के भीतर अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं अगर कृषि कानून के मुद्दे पर बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, मैं 2 हफ्ते तक का इंतजार करता रहूंगा कि कहीं इस पर दिल्ली से फोन तो नहीं आया। हालांकि एक राज्यपाल को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन मेरे कुछ शुभचिंतक मेरे कुछ कहने का इंतजार करते हैं और उनको लगता है कि ये कुछ बोलें और ये फिर हट जाएंगे। तो मलिक ने कहा कि मुझे दिल्ली में बैठे 2-3 बड़े लोगों ने राज्यपाल बनाया था, जिस दिन ये लोग मुझे बोल देंगे मैं 1 मिनट के भीतर अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो आइए आपको सुनाते हैं राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने क्या कुछ कहा। जो आजकल इशू है किसानों वाला, उस पर तो बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ये अखबार वाले ऐसा कर देते हैं कि मैं 2 हफ्ते तक ये इंतजार करता हूं कि दिल्ली से कोई टेलीफोन तो नहीं आ रहा। और हालांकि गवर्नर को हटाया नहीं जा सकता, फिर भी जो मेरे शुभ चिंतक हैं वो इस तलाश में रहते हैं कि ये कुछ बोले और ये हटे। लिख देते हैं फेसबुक पे कि गवर्नर साहब जब इतना आप महसूस कर रहे हो तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते। मैं कहा भाई आपके पिताजी ने बनाया था, मुझे जिसने बनाया था, ना तो मैं वोट से बना, मुझे बनाया था दिल्ली में 2-3 बड़े लोग हैं उन्होंने, और मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूं। तो ये तो मैं जान के बोल ही रहा हूं कि उनको दिक्कत होगी। वो जिस दिन मुझे कह देंगे कि हमें दिक्कतें छोड़ दो, मैं 1 भी मिनट नहीं लगाऊंगा। और